बिहार में एक तरफ राज्य सरकार द्वारा लगातार बीपीएससी से सफल शिक्षकों की बहाली करवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों से गेस्ट टीचरों को हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक महीने के भीतर 700 से अधिक गेस्ट टीचरों को हटा दिया गया है। ऐसे में हटाए जा रहे गेस्ट टीचर जिला मुख्यालय से लेकर शिक्षा विभाग तक का चक्कर लगा रहे हैं और रोजगार न छिनने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल 2018 में पहली बार बहाली उच्च स्तर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए पहली बार वर्ष 2018 में गेस्ट टीचरों की बहाली राज्य भर में की गई थी। बिहार के अलग अलग स्कूलों में कुल 4,297 गेस्ट टीचर हर रोज 1,000 की दर से अधिकतम 25,000 मानदेय पर काम करने लगे हैं। प्लस टू स्कूलों के बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश विषय के लिए गेस्ट टीचर का चयन हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड करने वाले लोग अतिथि शिक्षक बने हैं। उसके बाद सितंबर 2023 में राज्य भर में करीब 20,000 गेस्ट टीचरों को आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए। इन्हें 250 रुपए प्रति कक्षा के दर से राशि देना तय किया गया, लेकिन बीपीएससी से शिक्षक बहाली शुरू होते ही अतिथि शिक्षकों के करियर पर आफत आ गई है। 25 नवंबर से अब तक यानी एक महीने में राज्य भर के कुल 782 गेस्ट टीचर को उनके पद से हटा दिया गया है। उच्च स्तर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के एक नेता कहते हैं कि सबसे अधिक नवादा से 88 शिक्षकों को हटाया गया है, तो वहीं गोपालगंज से 96 और 86 अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है, जबकि गया से 421 में से अभी तक 25 शिक्षकों को हटाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार बहाली कर रही है, रोजगार दे रही है, तो दूसरी तरफ हम लोगों का रोजगार छिना भी जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? 6 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं और जीवन का महत्वपूर्ण 6 साल हम लोगों ने दे दिया है। चुनाव से लेकर कोरोना, जातीय जनगणना तक में हम लोग काम किए हैं, लेकिन अब हमें हटाया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक हम लोग गुहार लगा चुके हैं। सब लोगों का कहना है कि अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन हर जिले में डीओ द्वारा अतिथि शिक्षकों को हटाने का पत्र भी जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीपीएससी से लाखों लाख शिक्षकों की बहाली की जा रही है, एक तरफ सरकार रोजगार दे रही है, तो दूसरी तरफ वो अतिथि शिक्षक जिन्हें स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर रखे गए थे और पढ़ाने के लिए रखे गए थे, तो उन शिक्षकों से रोजगार जो है छीना जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि रोजगार को ना छीना जाए, हमें भी पढ़ाने दिया जाए। कहना है कि हम विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सचिव तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन डीओ ने अतिथि शिक्षकों को हटाने का पत्र तक जारी कर दिया है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।